नगर निगम शिमला का मेयर पद संभालने के बाद आज मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्मार्ट सिटी की बैठक ली। बैठक में उपमहापौर भी मौजूद रहे। इस बैठक में स्मार्ट सिटी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जिनसे स्मार्ट सिटी के कामों की जानकारी ली गई है कि कहां किस काम में कितनी देरी है, क्या अड़चन आ रही है और कितनी पार्किंग और कितने ओवरब्रिज शहर के अंदर बनाए जा रहे हैं। वहीं बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आज स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग हमने अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, फॉरेस्ट का था, HRTC था, इलेक्ट्रिसिटी वाले थे और स्मार्ट सिटी के जो हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सब ने अपने हिम्मत आगे थे। जो जो प्रोजेक्ट्स जिसको दिए हुए उसकी एक फीडबैक मैंने मांगी थी कि आपने क्या स्टेटस है, पार्किंग है, उनका डिटेल्ड हमारी काफ़ी लंबी चर्चा हुई, उसको लेकर के मैंने एक बैठक रखी थी। उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ हर्डल है, क्या रुक रहा है काम, मतलब ओवरऑल जो हमारा काम था उसको लेकर के बैठक की थी, जिसमें बड़े हमने डिटेल में काफ़ी चीज़ें, जैसे पार्किंग को तो हमारे लगभग 65 पार्किंग्स है स्मार्ट सिटी के अंडर आती है, जिसमें 55 के करीब हम नगर निगम खुद बना रहे हैं, जिसमें 50 के लगभग हम पार्किंग को बना करके क्लोजिंग लास्ट स्टेज पे है और बड़ी पार्किंग हमारी लगभग 7 और 8 बड़ी पार्किंग है, विकास नगर है, IGMC है, मनचंदा के पास है, जो मल्टी स्टोरी बड़ी पार्किंग है। और दूसरे डिपार्टमेंट्स में जैसे हिमुडा है, हिमुडा अलग काम कर रहा है, वो जो हमारी दुकानें हैं शॉप्स का है उसके बारे में डिटेल्ड में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क्स बना रहा है कुछ, CPWD भी हमारे, क्योंकि हमारे नगर निगम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है तो सिंगल में नहीं, जैसे CPWD कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जैसे उनके उन्होंने कुछ बस स्टैंड से लेकर के जो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग वाला एरिया है उसको वो डेवलप कर रहे हैं, डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक को लेकर के उसका स्टेटस भी मैंने पता किया। जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट है जो टॉयलेंट के साथ बना है वो CPWD ने किया है, क्लिनियम बिस चैम्बर के साथ वहाँ उनका CPWD, अलग अलग डिपार्टमेंट सारे इसमें इन्वॉल्व थे। टनल का अलग डिपार्टमेंट है, वो ये कर रहा है, RTDC हमारा डिपार्टमेंट है, वो अलग से उसको कर रहे हैं टनल्स के प्रोजेक्ट। तो इनके सारे सबकी कितने पैसे हैं, किसके पास कितना पैसा खर्च हो रहा है, इनका क्या स्टेटस है, तो उनका सबसे मैंने कंप्लाइंस लेकर के सबसे ये भी कहा कि आप मुझे कंप्लीशन का भी समय दो और टाइम भी दो और कितना टाइम आप लोगोगे। HRTC की बसेज आनी है हमारी, 18 बसेज है जिसमें 12 या 8 हमारे पास आ गई हैं बड़ी बसेज है, और उसकी टेम्पो ट्रेवल्स चलाते हैं वो, 12 इनोवा चलाते हैं और अलग अलग शहर से कई जगह डिमांड्स भी आ रही है, उसको भी लेकर के भी हम करेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट।